52 पत्तों में से 26 लाल तो होता है, 26 पत्ता काला होता है। इनमें ये 26 लाल पत्ते 13 लाल पान 13 ईटा होते हैं, 26 काला पत्ता 13 चिड़िया और 13 हुक्मा होते हैं। हुक्मा को हम लोग काला पान बोलते हैं। यानी कहीं कहीं आपको बुक में देखा मिलेगा कि 52 पत्ता 4 हिस्सों में बटे होते हैं 13-13 का। 13 लाल पान ईटा चिड़िया काला पान, काला पान को हुक्मा बोलते हैं, चिड़िया को क्लब बोलते, डायमंड यानी ईटा हर्ट्स यानी लाल पान, ये सभी 13-13 जो पत्ते होते हैं। एक यानी ये 13 पत्ता आपस में समान होते हैं, यानी एक 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 लिखा हुआ रहेगा, 4 दो 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 लिखा हुआ रहेगा, 4 इसी तरह सब रहेगा। लास्ट में जाकर के लाल पान, लाल पान के लास्ट में मिलेगा राजा रानी गुलाम। राजा रहेगा तो रानी आएगी, रानी रहेगा तो गुलामों आएगा, राजा रानी गुलाम यानी राजा रहेगा रानी रहेगी, राजा रानी की सेवा करने के लिए कोई ना कोई गुलाम चाहिए। राजा को बच्चा बोलते हैं, रानी को बीबी या बेगम हम लोग बोलते हैं। उसी तरह ईटा में राजा रानी गुलाम होता है, इसी तरह चिड़िया में भी राजा रानी गुलाम होता है, हुक्म यानी काला पान में भी राजा रानी गुलाम होता है। यानी 13-13-13 कुल मिला करके हमारे ताश के कितने पत्ते हो गए, 52 पत्ते हो गए। ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं, यानी नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 52 बनते। इतना बात को आप ख्याल रखिएगा।